हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सोया चाप की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही हेल्दी होता है और इसमें प्रोटीन भी बहुत होता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए सोया चाप, रिफाइंड ऑयल, प्याज लंबे टुकड़ों में कटे हुए, टमाटर प्यूरी, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, देगी मिर्च, कसूरी मेथी, गुलकी पाउडर, गरम मसाला, नमक और तड़का के लिए तेज पत्ता, जीरा, लौंग और एक सूखी लाल मिर्च, दालचीनी। सबसे पहले हम सारी सोया चाप की स्टिक्स को बाहर निकालेंगे। इस तरीके से हम अपने हाथों में लेके डंडे को बाहर खींचेंगे और ये आराम से निकल जाएगा। इस तरीके से हम सारा निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहले से ही निकाल लिया है। और स्टिक्स मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और उसमें पानी रखा है गैस पे गर्म होने के लिए। अब हम इसमें सोया चाप को डालेंगे। इसे हम 1-2 मिनट गर्म पानी में रखेंगे। हमने फ्लेम हाई रखा है। अब हम इसे एक बर्तन में खाली कर लेंगे और फिर इसे छोटे छोटे पीस में कट करेंगे। इस तरीके से मैं इसे काटूंगी छोटे छोटे पीस में। अब हम गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। अभी मैंने फ्लेम को हाई रखा है। उसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे और उस तेल को हम गर्म करेंगे। हाई फ्लेम पे इसे हम नहीं पकाएंगे। आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। इस तरीके से हम इसे ज्यादा डीप फ्राई भी नहीं करेंगे। अब ये हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। देख सकते हैं ये कितना अच्छा फ्राई हुआ है। अब हम इसी गर्म तेल में कटे हुए प्याज को फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। जब हमारा ये प्याज डीप फ्राई हो जाएगा तो हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। अब हमारा ये प्याज डीप फ्राई हो चुका है। हम मिक्सी में पीस कर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम बचे हुए तेल को निकाल लेंगे और 5 टेबल स्पून जितना तेल छोड़ देंगे कढ़ाई में। और इसमें हम तेज पत्ता, जीरा, दालचीनी और एक खड़ी लाल मिर्च का तड़का डालेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे थोड़ा भूनेंगे। अब हम इसी तरीके से चला के हम इस लहसुन अदरक के पेस्ट को भून लेंगे। अब हम इसमें टमाटर प्यूरी का पेस्ट डालेंगे और इसे भी भूनेंगे। अब मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, देगी मिर्च ब्लैक पेपर पाउडर
नमक स्वाद के अनुसार, और जो मैंने यहाँ पे प्याज का पेस्ट पीस रखा था अब उसको भी मैंने डाल दिया है। अब इन सारे मसालों को मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी। इसी तरीके से चलाते हुए हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मसाला भून रहा है। और तेल भी छोड़ रहा है। अब हम इसमें सोया चाप को डाल देंगे और अच्छे से मिलाते हुए उसे चलाएंगे। अब हम इसमें गरम मसाला का पाउडर डालेंगे और कसूरी मेथी का पत्ता डाल दिया है मैंने। अब हम इसे 2 से 3 मिनट ढक के पकाएंगे। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।